तू चिंता मत कर माँ, मैं इंदू के लिए दुनिया का सबसे अच्छा दूल्हा ढूंढ कर लाऊंगा। अब उस बात के लिए बहुत देर हो गई है बेटा। क्या मतलब? अब इंदू की शादी उसी लड़के से करनी पड़ेगी। मगर क्यों? इंदू से एक भूल हो गई है। माफ कर दो भैया, मेरी जान ले लो, मगर मुझे माफ कर दो ना। पगली, पढ़ी लिखी होकर तुझसे ये गलती कैसे हो गई? तेरे लिए आज हवेली में मैं अब भी अपमान का घूंट पीकर फिर दुर्गेश्वरी के दरवाजे पर जा सकता हूँ, भीख मांग सकता हूँ, मगर क्या फायदा? वो लड़का डरपोक है, बुज़दिल है, जो खुद अपनी माँ के पल्लू से बंधा है, वो तेरे आंचल से गांठ कैसे बांधेगा? भाई साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की? हिम्मत हुई तभी आया हूं। मेरी मां का जैसे आपने सामना किया, उसे देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई। मैं इंदु से शादी करने को तैयार हूं, अगर आपका आशीर्वाद हो। अपनी मां के सामने तुम जबान तक तो खोल नहीं सकते, इंदु से शादी क्या करोगे? बचपन से ही मेरी मां का मेरे दिल में खौफ बैठा हुआ है। सीता लक्ष्मण रेखा पार कर सकती थी, लेकिन मैं अपनी मां की खींची हुई रेखा कभी पार ना कर सका। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा छोटा भाई नीरज और बहन रेखा भी। रेखा? हाँ, मेरी बहन रेखा, जो बंबई में मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। मेडिकल कॉलेज? रेखा, तो तुम इंदु से शादी करना चाहते हो? जी, मैं इंदु से ही शादी करूंगा। गुड, अगर जो तुमने कहा उसे तुम निभाने की हिम्मत रखते हो तो मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम अभी इसी वक्त करता हूं। जीजा जी, क्या नाम बताया कॉलेज का? कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। क्यों? कुछ काम है? तुम्हारी माँ और बहन कैसी हैं? किसी दोस्त ने बताया कि तार आया था, सब ठीक तो है ना? कुछ खास नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ? लगता तुम उस दिन पानी में गिरी थी, सर्दी हो गई है, इसे सुन लो, सर्दी भाग जाएगी। थैंक्स। अच्छी, लगता है तुम्हें भी सर्दी हो गई, तुम भी इसे सूंघ लो। थैंक्स। पप्पू चल गया चप्पू। रेखा, रेखा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। एक एक पप्पी दे दो ना। राजा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी ना। रेखा, राजा, रेखा, राजा, रेखा। प्यारी प्यारी बातें, तेरी प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है, तुझसे ये मुलाकातें मुझे अच्छी लगती है। ये सपनों की बारातें, ये सपनों की बारातें मुझे अच्छी लगती है। अब सब दिन और सब रातें मुझे लगती है। तेरी
इकरार भरा है ये तेरे चंचल खाते ये तेरे चंचल खाते मुझे अच्छी लगती है तुझसे ये मुलाकातें मुझे अच्छी लगती है ये सपनों की बाराती मुझे अच्छी लगती है अब सब दिन और सब रातें मुझे अच्छी लगती है मुझे अच्छी लगती है तुझसे ये मुलाकातें मुझे अच्छी लगती है मुझे अच्छी लगती है तुझसे ये मुलाकातें मुझे अच्छी लगती है ये सपनों की बारातें मुझे अच्छी लगती है अब सब दिन और सब रातें मुझे अच्छी लगती है तेरी प्यारी प्यारी बातें तेरी प्यारी प्यारी बातें मुझे लगती है सब दिन और सब रातें मुझे अच्छी लगती है मैडम नमस्ते जी आपने क्यों तकलीफ की अपनी बेटी को लेने आई हूँ रेखा तुम जा सकती हो मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ने लिखने भेजा था आवारागर्दी करने नहीं आवारागर्दी लेकिन मैंने तो कोई आवारागर्दी नहीं की मम्मी चुप रहो मैं सब जानती हूँ चलो मेरे साथ लेकिन मम्मी परसों से मेरे मिड टर्म एग्जाम शुरू हो रहे हैं तुमने जितना पढ़ लिया वो काफी है मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है जल्दी सामान बांधो मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ जी मम्मी मैडम एक फोन करना है ओके हेलो इज इट 463546 हेलो राजा जी ऊपर रहते हैं जरा उनको बुला दीजिए प्लीज काश ये पप्पू भी एक विद्यार्थी होता तो हर रोज इन लड़कियों के बीच में बैठ के चप्पू चलाता सुना है लड़के का अपना हवाई जहाज है स्विट्जरलैंड में उसके अपने बैंक है नाश्ता अमेरिका में करता है
लंच जर्मनी में लेता है और शाम की चाय लंदन में, तो डिनर फ्रांस में करता है। सिर्फ बाथरूम करने के लिए हिंदुस्तान में आता है और फिर श्रीमती दुर्गेश्वरी देवी की इकलौती बेटी की शादी वो किसी अरे गहरे लड़के के साथ थोड़ा ही करेंगी। मगर सुना है वो लड़का लंगड़ाता है। अरे उसको कौन सा पैदल चलना है, वो तो उड़ता है उड़ता है। अब हस्ती क्या, जल्दी तैयार करो उसे। नमस्ते मैडम, की जायदाद के बारे में क्या कहूं, सारी दुनिया जानती है। और रेखा बेबी की खूबसूरती का ये हाल है कि लंदन, रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क, चाइना, जापान, हर जगह से राजकुमारों के डबल डबल शादी के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन हमारी मैडम ने सबको मना कर दिया। आप लोग किस्मत वाले हो कि आप लोगों का चप्पू चल गया। शक्ति, हां जी, यहाँ आने से पहले इन्हें ये सब पता चल गया होगा। नाश्ता किया कि नहीं इन लोगों ने? हाँ, हिंदुस्तानी नाश्ता तो कर लिया है, अब विलायती शुरू करने वाले हैं। हेलो, दुर्गेश्वरी देवी हिया। मालूम है, सारी दुनिया में आपके सिवा ये आवाज और किसकी हो सकती है? कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गई मृदुभाषिणी? अब उसी दिन तो इस गुलाम ने आपके घर में पधारने का कष्ट किया था। मधुर मोहिनी, तुमने मुझे फोन करने की जरूरत कैसे की? मैंने फोन करने की जरूरत इसलिए की क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ और आपको उसमें जरूर शरीक होना है। मैं किसी लोफर मवाली की शादी में नहीं जाती। अब छोड़ो भी ये पुरानी आदतें और चली आओ अपनी इकलौती बेटी की शादी में। क्या मतलब, मेरी बेटी की शादी का तुमसे क्या लेना देना? हाँ, वही मधुर भाषिणी जो एक दूल्हा का दुल्हन से होता है, शुभ काम में देर नहीं करते, क्योंकि पंडितों ने चिरंजीव राजा का शुभ पानी ग्रहण संस्कार कुमारी रेखा के साथ शंकर जी के मंदिर में ठीक 11:15 का शुभ मुहूर्त निकाला, वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए पधारने का कष्ट करे। मेरी हर एक हसरत चढ़ रही है दिल की डोली में, उसे कांधा लगाने आज तुम भी चली आना आधा वर्ष। शक्ति, रेखा कहाँ है? वो तो साड़ी बदल ले, शौचालय गई थी, साड़ी अंदर लड़की बाहर। तुम्हारी माँ। माँ? रेखा, बिना अपनी माँ को बताए ऐसे चोरी छुपे शादी करने का क्या मतलब? जब लड़का इतना खूबसूरत है, होनहार है, हिम्मत वाला है, तो मैं क्या पागल हूं जो ऐतराज करती? हाँ, मुझसे पहले कह दिया होता तो तेरी शादी इतनी धूमधाम से करती जैसे दुर्गेश्वरी देवी की इकलौती बेटी की शादी होनी चाहिए। सारे शहर को बुलाती, शहर की हर इमारत को जगमगा देती, तमाम सड़कों पर फूल बिछा देती और ऐसी दावत देती कि ये शहर कभी नहीं भूल पाता। सॉरी मम्मी, मुझसे गलती हो गई। आ? ना 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 ना, गलती तुझसे नहीं, गलती मुझसे हो गई है अपने होने वाले जमाई राजा को पहचानने में। रेखा, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारी मम्मी का दिल इनकी हवेली की तरह ही बड़ा है। ये तो साक्षात दुर्गा देवी है। इस तरह चोरी छिपे शादी करके हमने बहुत बड़ा पाप किया है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। जब मेरे जमाई राजा की हर एक हसरत डोली चढ़ रही हो तो मैं आशीर्वाद देने से कैसे मना कर सकती हूँ। चलो घर चलें, जो होना था सो हो गया और जो होना है उसका तो मैं इंतजार भी नहीं कर सकती। और मैं भी नहीं सासू जी। क्या तू वहां घर जमाई बन के रहेगा? तू फिक्र मत कर माँ, मैं उस घर में घर जमाई तब तक बनकर रहूंगा जब तक कि उस घमंडी औरत
दुर्गेश्वरी देवी का घमंड चूर चूर नहीं होता।